शिवराज सिंह चौहान के अतिक्रमण मुक्त प्रदेश की मुहिम को शिवपुर जिले की बड़ौदा तहसील में पहले ही दिन कार्यवाही में जमकर बवाल हुआ है। वहीं वायरल हो रही वीडियो में बड़ौदा शहर के अफाक काजी ने बड़ौदा तहसीलदार भरत नायक को जमकर गाली गलौज और दंगे की धमकी भी दे डाली। मामला श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील का है, जहां अतिक्रमण अभियान के चलते तहसीलदार भरत नायक और नगर परिषद की टीम अतिक्रमण हटाने शासकीय भूमि पर चल रहे एक नॉनवेज होटल पर पहुंचे, लेकिन कार्यवाही को देख अतिक्रमणकारियों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला बोल दिया, जिसमें जेसीबी चालक को गंभीर चोटें आई हैं। जेसीबी पर लाठी और पत्थरों से वार कर जेसीबी को फोड़ दिया गया। अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद थे कि तहसीलदार भरत नायक से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी तक दे डाली। और जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, तब वहां पुलिस के 7 से 8 जवान मूक दर्शक बनकर पूरी घटना को देख रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अतिक्रमणकारी इतने रसूखदार हैं कि सरेआम धमकियां देते रहे। नगर परिषद बड़ौदा के सीएमओ मूक दर्शक बने रहे, वहीं पुलिस कार्यवाही से बचती नजर आई। जब एसडीओपी मौके पर पहुंचे, तब जाकर पुलिस ने सक्रियता दिखाई। भाई, हमारे कहना है कि जैसे उनकी ये शिकायत थी कि सर कि हमारे ही लोगों के दुकान है और जो मकान तोड़ दिए गए हैं, तो हमारा तो ये कहना है कि भाई ये संवैधानिक देश है और सब नियम कानून से चलता है। अगर आपके खिलाफ कोई गलत कार्रवाई हुई है तो इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को आप शिकायत करें और जो भी जांच पड़ताल होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, उनका ये कहना है कि तहसीलदार सीएमओ ने मिलकर काम किया है। हाँ, तो अगर उनका ये कहना है तो जो भी होगा इसमें लीगल अगर जांच पड़ताल होगी इसमें, तो भाई किसकी ज़मीन थी, नगर पालिका की ज़मीन थी या राजस्व की ज़मीन थी, किस हिसाब से कार्रवाई हुई है और उन्होंने जो कार्रवाई की उस संबंध में जांच पड़ताल हो जाएगी। सर, आवेदन में क्या मिला, क्या दिया है आवेदन? आवेदन उनका कहना यही था कि भाई हमारी जो लीगल हमारी भूमि है, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उस पर जो इन्होंने टेम्परेरी दुकान बना रखी थी उसको उन्होंने तोड़ दिया, उनका ये कहना था। जबकि वो हमने दुकानों के लिए वो जगह हमने छोड़ी थी, उनको ये कहना था कि ये इन्होंने इलीगल कार्रवाई की है। तो हमारा ही कहना है कि एक बार इलीगल भी की है तो आप जो वरिष्ठ अधिकारी हैं हमारे यहाँ के, उनको जाके आवेदन करें, आप जो भी जांच पड़ताल होगी उसमें जो कार्रवाई होगी, अगर उन्होंने गलत किया हो तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या बड़ौदा तहसील के अंदर ये दो ही जगह मतलब अतिक्रमण नजर आ रही है, बाकी और? आज से अतिक्रमण विरोधी मुहिम शुरू हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी शासन के निर्देशानुसार जो भूमाफिया है, अतिक्रमण जो है, उनके विरुद्ध कार्रवाई आज शुरू की गई और उसमें अतिक्रमण और आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने इसमें शासकीय कारण बाधा पैदा की और उनके द्वारा मौके पर भीड़ को उकसा के उपद्रव करने का प्रयास किया गया और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए थाने में एक एप्लीकेशन दी गई है। सर, कितने आदमी होंगे वहाँ पर जिन्होंने मतलब ऐसा काम किया है? लगभग 40-50 लोग थे लगभग, उनके द्वारा उपद्रव पैदा करके और शासकीय कारण बाधा पैदा की गई, जिसके लिए थाने में लिख दिया गया है, उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जो दुकान टूटी उनके पास दस्तावेज वगैरह मिले कुछ? उनके कागज वगैरह तो होंगे नहीं उनके पास? उनको नगर पालिका द्वारा पूर्व नोटिस दिए गए थे और उसी आधार पर नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर का नाम आए बड़ौदा में बिना पूछे ताछे बिना नोटिस दिए सीएमओ साहब और तहसीलदार की दादागिरी से कब्रिस्तान पर जबरदस्ती तोड़फोड़ की गई और शहर में भी की गई और बिल्कुल किसी की नहीं सुनी गई है और ये नाइंसाफी है। सपा बिल्कुल तो तहसीलदार मुर्दाबाद, सीएमओ मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद। क्या मांगे आप? यही मांगे, इसमें न्याय होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, कोई नोटिस दिया आपको पहले? कोई नोटिस नहीं दिया, कोई किसी तरह का नोटिस नहीं दिया। बिना कोई नोटिस दिए जाके डायरेक्ट तोड़ी गई है, हमारे लोगों ने रोका तो नहीं माने।